पहला मैच कल होगा भाई हैदराबाद और कोलकाता के बीच में, और ये इंपॉर्टेंट गेम है जैसे जाट भाई कह रहे थे, एक कल नहीं, से कल नहीं आज ही है जी हाँ, हो गए बज गए 12, तो आज के आज ही है मैच हैदराबाद और कोलकाता के बीच में, और दोनों में से जो टीम जीतेगी वो सीधा नॉकआउट कर देगी पंजाब को, क्योंकि नेट रन रेट जो है उनकी बेटर रहेगी उनसे, तो अभी के लिए नॉकआउट कर देगी, हमेशा के लिए नहीं, डोंट वरी, अभी सिर्फ बहुत टाइम है आप सबके लिए। पर ये बताइए कि कल के मैच में अगर इस मैच को एनालाइज किया जाए, हैदराबाद और कोलकाता दोनों टीम्स में क्या लग रहा है, क्या है डिफरेंस, और कोलकाता में ये ओवर डिपेंडेंस जो है आंडे रसल का, ये कैसे कम हो सकता है? बट मुझे लगता है कोलकाता क्योंकि हैदराबाद के वो जो टॉप टू बैट्समैन है उनका टाइम भी तो आया है कि वो भी तो खराब खेलेंगे, आउट होंगे, और मिडिल ऑर्डर ने कोई कुछ किया ही नहीं है किसी ने भी। अगर थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन मिडिल ऑर्डर करता हैदराबाद का तो शायद वो एक आधे मैच ज़्यादा जीते होते। मैं देख रहा हूँ कि हैदराबाद की जो टीम है उस वैसी वाली विकेट पे 3 मैच खेल चुकी है, यू नो एक मैच वो हारे थे पहले मुंबई के विरुद्ध 136 नहीं चेस कर पाए, फिर 160 उन्होंने बनाए, 40 कुछ हो गया, तो उनको इस पे खेलने का अंदाजा है। कलकत्ता के साथ हमने देखा है कि कलकत्ता जब बड़े स्कोर का गेम होता है तो रसल को तो सक्सेस होना ही पड़ता है, लेकिन बाकी लोगों का भी जो स्कोरिंग रेट होता है ना वो वहाँ चल जाता, और गेंदबाजी में हैदराबाद की थोड़ी सी बेहतर है। तो हमेशा लो, मैं पता नहीं क्यों शायद अजीब सा आदमी हूँ, जितना लो स्कोरिंग होता है ना तो मैं मानता हूँ कि जिसकी बेस्ट बॉलिंग अटैक होता है ना वो जीतती है, जितना हाई स्कोरिंग मैच होता है ना वहाँ पे बॉलिंग अटैक का इतना इफेक्ट नहीं रहता, इसलिए बल्लेबाजी वाली टीम जीत। बट अगर वो मुंबई वाली विकेट मिली जिसपे 198 बने थे, वो चेज हुए थे, कौन से किसने बनाए थे, मुंबई ने बनाए थे, आचार्य जोसेफ ने बनाए, 6 विकेट ली थी उसमें, नहीं वो तो कम का मैच था जिसपे 198 रन चेन्नई ने बनाए थे या किसने बनाए थे, आरसीबी ने बनाए थे जब मुंबई चेज नहीं कर पाई थी, नहीं हैदराबाद ने चेज की थी जिसमें डेविड वार्नर ने शतक लगाया था और जॉनी बेस्टो ने शतक लगाया था, फर्स्ट बैटिंग करके 198 किया था, तो 5 मैच अगर वो विकेट हुई तो, वो विकेट हुई तो फिर उस तरफ जाना, क्योंकि हैदराबाद में हम वो जो विकेट की बात कर रहे हैं पहले दोनों मैच वैसी थी और पिछले कुछ सालों में वैसी होती, उसके बाद एक मैच था तो मुझे लगा शायद एक मैच है, फिर दो देखा, फिर पिछले मैच में रन जरूर थोड़े ज्यादा बने लेकिन विकेट कुछ इस तरह से बनाई जा रही है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना विकेट देखे बगैर तो कुछ पता ही नहीं। पर एक खिलाड़ी को हमने देखा है वो है रॉबी उथप्पा, जो 4 मैचेस लगातार ज्यादा रन नहीं बना पाए, मिलेगा उनको एक और मौका खेलने का, इंडियन बैट्समैन है कोई शायद बाहर ऐसा बैठा भी नहीं जो बाहर बैठा है इंडियन बैट्समैन, शायद वो रिंकू सिंह है, वो भी इनएक्सपीरियंस है, बट ये कि कभी कभी ये होता है कि आप रॉबिन उथप्पा को अगर नीचे ले आए नंबर 6-7 पर खिलाएं जहां पर उनको बाद में 3 ओवर ही मिले 18 बोले तो उसमें वो रन बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लेकिन ऊपर आकर अगर वो बोले खराब करते हैं फिर एंड्रे रसल पर सारा दबाव होता है या दिनेश कार्तिक पर दबाव होता है तो मैच वहाँ मर जाता है, तो इसलिए जो इन फॉर्म बैट्समैन है वो ऊपर आते रहे, जो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन है वो नीचे जाते रहे, खेलेंगे तो सही हो क्योंकि उनके पास शायद और कोई चॉइस नहीं है बाहर, अगर चॉइस होती तो अभी तक वो बदले जा चुके होते। ये देख सकते हैं कि पॉइंट्स टेबल एक बार फिर से कि 4 मैचेस लगातार हारती हुई ये रही कोलकाता की टीम, और भाई ये रॉबी उथप्पा की बात अगर वापस भी की जाए जाट भाई तो ऑरेंज कैप होल्डर भी रह चुके हैं, आई थिंक बड़ा एंजॉय करते हैं जब वो इनिंग्स को ओपन करते हैं, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है तो क्या लगता है, नाखुश हैं कि उन्हें ओपनिंग स्लॉट नहीं मिल रहा है, वो वन डाउन, उन्हें वो स्लॉट पसंद नहीं है, कुछ मुस्कुरा रहे हैं आप, तो कुछ दिमाग में चल रहा है आपके, बताएं आप। कोई भी नाखुश होगा अगर आप एक खिलाड़ी हैं किसी आगे खेलते और इस फॉर्मेट में और जिसको शौक होता है खेलने का, और वो मैं मानता हूँ रॉबिन उथप्पा वैसे हैं शौक के वो करना चाहते हैं, जब जब उनको आपने पीछे किया है तो मैं ये हमेशा देखता रहा कि वो नाराजगी नजर आती है, पिछले मैच की तो सबको याद है, मैं उससे पिछले मैच की याद करा दूं आपको, उसी टीम के वो गए थे, उधर भी उनको एक नंबर पीछे किया था, वो गए उन्होंने पहली बॉल ही घुमाया वो टॉप एज लगी आउट हुए गए अंदर, तो उस दिन बोला होगा कि यार तुम थोड़ा टाइम लेके खेलो, तो अगले दिन उन्होंने टाइम लेके खेला। अबे जिसका जो नंबर है वहां खेलने दो, या अगर वहां ठीक नहीं है तो बाहर बैठा लो जी। वो देखिए मैं ये मानता हूं कि इस फॉर्मेट ऑफ गेम में जो पास्ट है जो आपकी रेपुटेशन है इंडिया खेलने की है उसको बहुत कम तवज्जो दी जाती है, और वो ठीक भी है क्योंकि आप ऑक्शन में गए, आप एक टीम ने खरीदा आपको और आपने बोला है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मर्जी है खिलाना, इंडियन टीम में थोड़ी होता है ऐसे जिसको मर्जी फेंक देते हो, क्योंकि वो एक घर है, वहाँ पे आप बड़ों का आदर करते हैं, बड़े बच्चों का ध्यान रखते हैं, यहाँ पे आपको तनख्वाह मिलती है तो आप काम करें, तो अगर आपका मुंह सूज जाता है, मुझे तो लगता है कि ओनर शायद कल गए उनको थोड़ा सा आराम करें भाई साहब।